तो कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री के साथ ही बूस्टर डोज की भी चर्चा थी, लेकिन अब ये साफ है कि अभी हमें बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है, यानी ये कहा जाए कि अभी हमें बूस्टर डोज नहीं लगाया जाएगा। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि कोरोना के बूस्टर डोज को बिना क्लिनिकल ट्रायल के अप्रूव नहीं किया जा सकता। SEC ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन का रिव्यू करते हुए ये बात कही। पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट से अतिरिक्त डेटा मांगा है, जिसके बाद पैनल दूसरी बैठक भी करेगा। तो बता दें आपको कि बूस्टर डोज जरूरी है, लेकिन जब तक इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो जाता तब तक ये हमें नहीं लगाया जाएगा। उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि जब वैक्सीन के दोनों डोजेज निर्धारित किए गए थे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चुना गया था, जितने टाइम पीरियड में शरीर में एंटीबॉडी बनेगी। ऐसे में शरीर में जिन लोगों ने डबल वैक्सीनेटेड हैं उनके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडी मौजूद है, अगर उन्हें बूस्टर डोज लगता है तो शरीर किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, इस पर रिसर्च जारी है।